दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में आपको पता होगा। अश्वगंधा की यूजेस बहुत ही बढ़िया होता है, जैसे कि इसका बहुत फॉर्म में होता है। आयुर्वेदिक में ये भी मिलता है, होम्योपैथिक में भी मिलता है, एलोपैथिक मेडिसिन में मिलाई जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के अश्वगंधा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको शुगर है और आप एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं तो इससे आपको कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसके जगह होम्योपैथिक अश्वगंधा का इस्तेमाल कीजिए। इसे 10 बूंद करके दिन में 2 बार लेना चाहिए। मेंटल सिकनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप में बहुत खराब है तो इसका यूज करना चाहिए। दिन में 2 बार लेना चाहिए 10 बूंद करके। खाना खाते हैं लेकिन आपके बॉडी में नहीं लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसे लेने से आपका मसल मजबूत होता है। इसका यूजेस मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में भी दिया जाता है। नाइट फॉल के लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपका ब्रेन पावर को भी इंक्रीज करता है। ये आपका नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अश्वगंधा के अंदर कुछ नेचुरल स्टेरॉइड होते हैं और कुछ नेचुरल अल्कोहल होते हैं। ये हमारे शरीर में जाती है, सबसे पहले असर करती है हमारे दिमाग में। यदि आपको अच्छी से नींद नहीं आती है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अश्वगंधा। यह आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। इंडाइजेशन प्रॉब्लम में बहुत ही बढ़िया काम करता है अश्वगंधा। तो यह था अश्वगंधा के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।